हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोगों का आज का सेशन बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, लेवल्स तो मैंने सब टाइम से डाल ही दिए थे और वीडियो कभी कभी नहीं भी बनाता हूँ तो फ्रेंड्स उसका रीज़न ये होता है कि कुछ तबीयत आजकल ख़राब चल रही है, बहुत दिन हो गए और दिल्ली NCR में मौसम कैसा है ना कि लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है। और नॉर्थ इंडिया में आप लोगों ने सुना होगा बर्फ़ काफ़ी पड़ रही है ना? तो फ्रेंड्स इसलिए कभी कभी छूट जाता है बीच में। तो आई होप कि अब होली के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। मंथली को देख लेते हैं, छोटा सा रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 15 मिनट चार्ट तक पहुंचेंगे और फिर ये देखेंगे कि आज हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था और फिर कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कहाँ हमें बाय करना है, कहाँ सेल करना है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी की ये जो कैंडल है ये बहुत स्ट्रांग बन रही है। हमने जो वीडियो संडे को बनाई थी उसमें भी यही बात बोली थी कि इट्स अ स्ट्रांग कैंडल और ये तो बुलिश सिग्नल है और बैंक निफ्टी वही कर रहा है, ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। ठीक है, और वीकली कैंडल भी आपको दिख रहा होगा कि प्रीवियस वीक का जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड कर भी रहा है। ठीक, तो अभी तक तो किसी तरीके के सेल सिग्नल हम लोगों को नहीं मिला मंथली और वीकली पे। डेली चार्ट पे देखिए जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है फिलहाल आज उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है बैंक निफ्टी ने, तो सब कुछ बुल्स के फेवर में आप लोगों को डेली चार्ट तक दिख ही रहा होगा। ठीक है, और वाली चार्ट पे आपको थोड़ा सा और क्लियरली दिख रहा होगा कि ये देखिए ये कुछ टाइम भी बिताया है ब्रेकआउट देने के बाद। अब वो तो कल पता लगेगा कि बाजार टाइम बिताने के बाद ऊपर जाता है या फिर टाइम बिताने के बाद नीचे जाता है। ठीक, और 15 मिनट चार्ट पे आपको और क्लियर दिख रहा होगा कि देखिए ये एक अच्छी खासी कैंडल बनी है 1:45 बजे और फिर उसके बाद केवल ये के क्या कह सकते हैं आप कि एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था और इसका ब्रेकआउट फिर एक अच्छा मूव देगा। ठीक है, पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को आज कैसे ट्रेड करना चाहिए था, फिर हम लोग कल दोनों साइड की तैयारी करेंगे, दोनों साइड की चर्चा करेंगे कि कल के लिए कि कल किस तरीके से हमारे को ट्रेड करना है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ना कि आज हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप लोग इसी को मिस करते हो जब वीडियो नहीं बनती है। आई अंडरस्टैंड, मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोग अगर कोई क्वेरी हो तो मैसेज डाल दिया कीजिए, कोई इशू नहीं है, मैं उस पर डेफिनेटली आंसर दूंगा। तो देखिए ये कल का सपोर्ट जोन बना हुआ था, मैं बना के रखा हुआ था, तो यहीं पे बाजार ने सपोर्ट लिया, लो बनाया 47,196 और कल के जो हमने लेवल डाले थे मैं उस उन लेवल्स को ओपन कर लेता हूँ, मैंने मोबाइल पे सेव कर रखे हैं। ठीक है, 47,196 का लो बनाया है हमने कल के लिए। क्या लिखा था फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के अंदर कि 47,190 के नीचे नेक्स्ट टारगेट आएगा 46,970 तक का, और 46,900 के नीचे 46,810 और 760 के लेवल हमने बताए थे। ठीक, तो आज बैंक निफ्टी ने क्या किया कि खुलने के साथ 47,360 का सपोर्ट ब्रेक कर दिया जो हमने कल के आज के लिए सपोर्ट लिखा था, और 5 मिनट के अंदर ही नीचे का जो टारगेट है वो भी अचीव कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में मॉर्निंग में हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या है कि अब ये तो पहुंच गया, अब हम क्या करें। ठीक है, राइट, तो आप क्या करो, आप इंतज़ार करो। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट क्या था हमारा 360, वो टूट गया। ठीक, मॉर्निंग में ओपन होते ही टूट गया। आप देखिए मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने ये 5 मिनट की क्लोजिंग दी है 360 के ऊपर। ठीक है, 368। ठीक है, 5 मिनट कैंडल आप देख लीजिए ये किस तरीके की कैंडल बनी है। ये कैंडल बहुत छोटी सी कैंडल है लेकिन इसे 360 के ऊपर की क्लोजिंग दी। आप चाहें तो इसमें घुस सकते हैं, आप ना चाहें तो नहीं घुस सकते। इसके अंदर आपको लॉन्ग करना है तो आपको स्टॉप लॉस 47,200 के नीचे का रखना ही पड़ेगा। ठीक है, 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ठीक, या तो आप छोड़ दीजिए इसे। इसे छोड़ने के बाद देखिए लो बनाया 47,240,
फिर यहाँ से रिवर्सल कैंडल बनी है। अब आपको यहाँ पर एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आप ब्रेकआउट पे बाय करना चाहते हैं कोई इश्यू नहीं, 47,390 पे आप बाय कर लीजिए, 47,395 पे। स्टॉप लॉस कितना बनेगा? 47,240 का, ठीक है, यानी कि 155 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, 155 पॉइंट का ट्रेड निकाल लीजिए। कितना बनता है सीधा सीधा फ्रेंड्स, 550 तक का ट्रेड बनता है। तो फ्रेंड्स 47,550 कहाँ आए हैं अब आप देख लीजिए। जब आप लॉन्ग करते हैं स्टॉप लॉस तो गया नहीं, 47,550 की जगह जो 5 मिनट की कैंडल है इसने 47,680 बना दिया, ठीक है। हमने ऊपर का टारगेट क्या रखा था आपको ध्यान होगा, ठीक, कि फ्रेंड्स हमने रखा था कि 47,940 तक का टारगेट है। हाई बनाया बाजार ने 690 तक का, सॉरी 740 तक का, ठीक है, लेकिन हम तो अपना प्रॉफिट 1:1 के अकॉर्डिंग बुक करके निकल चुके हैं ना, तो हमें लालच करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। फिर भी कुछ लोगों को ये दिख रहा होगा ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, चलिए ये ब्रेकआउट भी अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है तो 47,360 का स्टॉप लॉस लगेगा। आप लॉन्ग कहाँ करोगे? आप ये देखो 47,680 पे आप लॉन्ग कर रहे हो, ठीक है, आप 47,680 पे लॉन्ग कर रहे हो और स्टॉप लॉस लगा रहे हो 360 का, यानी 320 पॉइंट का स्टॉप लॉस। फ्रेंड्स 320 पॉइंट का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, चलिए 320 पॉइंट अगर लगाएंगे भी तो उसका मतलब ये है कि आपको 48,000 के ऊपर का ट्रेड चाहिए, 48,000 का तो हमारा टारगेट भी नहीं है, ठीक है। पुल बैक आने दीजिए, ये पुल बैक आ रहा है, आता है, आ रहा है, आ रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम कर रहा है 47,500 के आसपास, आपको दिख रहा होगा 47,530 के ऊपर निकला है, ठीक है, 47,510 के पास पास यहाँ पे फिर से जो है विक्स बन लोअर विक बनने शुरू हुई। यहाँ बाय कर लीजिए, यहाँ बाय करेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, आप तो भी पैसा बनाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स आई होप समझ में आया होगा आपको, दो ट्रेड मैंने आपसे डिस्कस किए कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए था। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें कल किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक। हमें दिख रहा है कि ये जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर गया और एक फ्लैग पैटर्न बनाया है। अब कल अगर फ्लैग ब्रेकआउट होता है, ठीक है, फ्लैग ब्रेकआउट मीन्स ये 47,740 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमारे को? फ्रेंड्स 200 पॉइंट आराम से मिलेंगे, ठीक है। 300 पॉइंट की तो ये कैंडल है, 200 पॉइंट तो मैं आराम से आप लोगों को देके चल रहा हूँ, मिनिमम 200 पॉइंट तो आप ले ही लोगे। 300 पॉइंट की कैंडल का टारगेट 300 ही होता है, ठीक, लेकिन 200 पॉइंट पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे 47,940। अच्छा अगर ब्रेक डाउन हो गया, फ्लैग फेल हो गया, देन व्हाट? सपोर्ट कहाँ आता है ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट आता है 47,510 से लेके 530, ठीक है जी, 47,510 से लेके 47,530 यही सपोर्ट आता है। अगर ये टूट गया तो फ्रेंड 47,350 से 47,200, 47,350 पहला टारगेट, 47,200 दूसरा टारगेट, यहाँ तक आ जाएगा बाजार। और फिर इसके नीचे चला 47,190 के नीचे तो 46,970 का टारगेट बन जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये इतना क्विक क्यों आएगा फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए फ्लैग बनाया है, लोग लॉन्ग साइड में बैठे होंगे, सब लोग बुलिश होंगे, अगर ट्रैप हो गए तो आपको नीचे अच्छा फॉल मिले। तो ऊपर और नीचे दोनों साइड का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, ठीक, आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि ब्रेकआउट हुआ है, फ्लैग बनाया है, सब कुछ बुलिश है बुल्स के लिए। इन द केस ऑफ ट्रैप हमें क्या करना है, इन द केस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बुल मार्केट हमें कैसे ट्रेड करना है। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए जिससे जब भी वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।